तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भाई हमने ना मतलब दो दो ओशियन मॉन्यूमेंट और भाई एक मशरूम आइलैंड ढूंढा था। मतलब भाई एक मशरूम आइलैंड और एक ओशियन मॉन्यूमेंट, तो भाई वो ऐसे ही मिल गया था। हम निकले तो भाई ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढने थे, वो भी एक ही जो हमें मैप था, पर उसके बराबर में हमें दूसरा मिल गया। तो मतलब वो तो एक ऑसम चीज है। तो अब जो फार्म होने वाला है ना भाई, उसके लिए ना मतलब हमें चाहिए हार्ट ऑफ सी। मतलब हम पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग जो होते हैं, ब्रीथ ऑफ पोर्शन होते हैं, पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग जो भी बोलते हैं, उनसे भी काम चला सकते हैं। पर भाई हार्ट ऑफ सी से ना भाई हमें अनलिमिटेड अंडर वाटर जो है भाई सांस लेने की शक्ति मिल जाएगी। तो मैं उससे बनाता हूँ, मैं बताता हूँ वो बनता कैसे, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो भाई पहले जो है, जब हमने सिपरेक जो मिले थे उसमें ना हमें हार्ट ऑफ सी मिल गए थे, जो कि ये दो थे हमारे पास। तो भाई ये दो हमारे पास आ गए हैं। और भाई नॉटिलस सेल ना भाई हमारे पास बहुत पहले से दो पड़े थे, जो कि हमें चाहिए मतलब 16 तो चाहिए कम से कम। अगर हमें दो चाहिए, दो बनाने हैं, हार्ट ऑफ सी बनता है शायद उससे, मुझे पता नहीं क्या बनता है पर बनता है कुछ। तो उसके लिए हमें जो है ये चाहिए होंगे नॉटिलस सेल्स। तो इन्हें जो है ये भाई बस हमें जो है समुद्र से मिलेंगे, पानी से। तो मैं इसके लिए ना भाई सबसे ओपी वाली जो भाई फिशिंग रॉड होती है वो बनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है नॉटिलस सेल मिलने के बाद ही मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो भाई कम से कम आधे घंटे की मेहनत के बाद भाई मैंने ना ये मतलब ये जो ओपी रॉड है ना, फिशिंग रॉड, ये बना ली। और अब चलते हैं भाई फिशिंग करने, क्योंकि भाई हमें जो नॉटिलस सेल है ना वो भाई फिशिंग से ही मिलने वाले हैं। तो सीधे अब चलते हैं भाई, पीछे समुद्र है ही है, तो इधर चलते हैं फिशिंग करने और भाई नॉटिलस सेल मिलने के बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। ओके, तो भाई हमें पहला नॉटिलस सेल मिल चुका है। तो बस अब हमें जो है भाई मतलब 15 और चाहिए, तो करते हैं फिर उसके बाद जो नॉटिलस सेल मिलने के बाद ही मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। भाई फाइनली यार, मतलब मेरे पे 16 तो नहीं, पर भाई मैंने 6 इकट्ठे कर लिए हैं, दो मेरे पे रखे हैं। तो भाई हमें एक बनाने के लिए, कॉन्ड्यूट एक बनाने के लिए, मुझे याद आ गया कॉन्ड्यूट बोलते हैं उसे, सिर्फ 8 चाहिए, जो कि हमारे पास हो चुके हैं। भाई आप यार विश्वास नहीं करोगे यार, मुझे यहाँ पे 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग भाई टाइम देख के करा, मैं वो बोल रहा हूँ 2.5 घंटे से ज़्यादा। यार इतना बोरिंग काम है ना यार ये फिशिंग करना। तो मैं पहले बीच में नीचे भी गया था कि भाई वो जो मेरे को यहाँ पे इधर की तरफ कहीं पर जो है ना वो है जो भाई जो वाटर वाले जो जॉम्बीज होते हैं, मैं उनका नाम भूल गया क्या कहते हैं उन्हें, तो वो उनके पास भी गया था भाई, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया मेरे को। पर भाई अब जो भी है मतलब फाइनली जो है यार बस हम जो है कर गए हैं यार से। तो अब मैं सीधे घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के जो भाई फार्म का जो है ना सामान इकट्ठा करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो भाई लोग यार मैं बस जस्ट अभी आया था, सिर्फ ये जो है भाई देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोल जो है मतलब ये जितने भी सोल है ना मैं सिर्फ इसे इकट्ठी करके नेदर से यहाँ पर आया था। इतने में ही भाई मतलब मेरे को याद आया कि इसका काम क्या है, जब तक हम उधर जो है भाई जो गार्जियंस हैं उधर के, तीन तीन चार चार जो गार्जियंस रहते हैं, जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक इनका क्या काम। तो भाई मैं जो सिर्फ कॉन्ड्यूट उठाता हूँ और इन सबको यहीं पे रख के चलते हैं, पहले उन्हें ख़त्म करते हैं और फार्म जो है अगली वीडियो में बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले उधर चलते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, उसे पूरा एरिया को खाली करते हैं, तो उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो भाई फाइनली जो है मैंने ना मतलब वहाँ पे जाने की तैयारी कर ली है, जो भाई ओशियन मोन्यूमेंट है उसमें, क्योंकि भाई मैंने ना पोशंस वगैरह सब बना दिए हैं, एक तो इनविजिबिलिटी का और भाई दूसरा वाटर ब्रीथिंग का। अब भाई वहाँ पर जाकर ना जब हम कॉन्ड्यूट यूज़ करेंगे तो भाई वो जो हमारे आसपास के जो एल्डन गार्डियंस वगैरह जो होते हैं वो हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें सांस नहीं मिलेगी, पर हमें जो है भाई अनलिमिटेड जो है ब्रीथिंग मिलेगी उधर। तो उधर चलते हैं फिर, जब मैं आपको जो है उसे मतलब खाली कराते हुए ही मिलता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो भाई हम आ चुके हैं, वो आपको पीछे दिख भी रहा होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। भाई देखो ये आपको दिख भी रहा होगा, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भाई ये ओशियन मॉन्यूमेंट जो है ना भाई पूरा नीचे तक है, तो चलते हैं नीचे की तरफ और फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना।
तो भाई फाइनली यार लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटे बिताने के बाद यार हमने मतलब ओशन मॉन्यूमेंट को खाली करा लिया है। अब हमें जो है मतलब माइनिंग पट्टी जो होता है 3D वाला वो नहीं लगेगा, और भाई फार्म हम अब जो है मतलब आराम से बना सकते हैं। तो भाई मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन तीनों को मारने में। भाई 2 तो शुरुआत में ही मार दिए थे, पर यार लास्ट का जो था भाई उसने थका दिए। उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ा था, मतलब फिर भी भाई फाइनली मार दिया। और भाई हमने जो है ये 33 हमें वहाँ से वेट स्पॉन मिल गए हैं, इन्हें नदर में जाके 1 सेकंड में सुखा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सोचा था कि भाई इस वीडियो को ना बस यहीं पे रैप करते हैं, फार्म जो है अगली वीडियो में बना देंगे। मैं सोचा था कि भाई इसे करना ही नहीं पड़ेगा, मेरे दिमाग से निकल गया था कि भाई हमारे पास जो है ना भाई यहाँ पे एल्डर गार्डियंस भी होते हैं, तो मैं उनके भूल ही गया था। तो इस वजह से मैं सीधे सोचा था कि फार्म बनाएंगे, पर फार्म नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई फिर वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से फार्म जो है हम अगली वीडियो में बनाएंगे। और भाई अगर आपने नहीं देखा कि हमने ये जो है कैसे फाइंड किए थे, तो ऊपर जो है आई बटन में जो है लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप जो है भाई पुरानी वीडियो भी देख लेना, और ये भाई हमने कैसे कैसे फाइंड किया था वो भी आप देख लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो को लाइक करे और शेयर करे, ठीक है ना। मैं मिलता रहूँगा और वीडियोस का। टाटा, बाय बाय, सी यू।